हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य, तारीफ करने के योग्य, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। मेरे प्रियजनों, उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला, उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने सभी को दिया, ठीक है? इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि यीशु मसीह ने हम सभी से बहुत प्रेम किया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके मुंह पर थूका गया, उससे 49 कोड़े लगवाए गए। मेरे प्रियजनों, उन 49 कोड़ों के साथ उसका मांस तक खींच कर चलाता था। मेरे प्रियजनों, उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया। मेरे प्रियजनों, उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, उसको बहुत दर्द हो रहा था। मेरे प्रियजनों, जो सजा हम सभी को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियजनों, और हमारा परमेश्वर कलरी क्रूस पे बलिदान हो गया, और तीसरे दिन हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियजनों, वह जीवित परमेश्वर है। हम सभी लोग जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को संकट और संकेति में है, तो यीशु मसीह को पुकारना है, पवित्र आत्मा को पुकारना है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन को नया कर देगा, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियजनों, ठीक है? परमेश्वर महान है, दयालु है, जो हम सभी को यीशु मसीह हर दिन दिखाता है, रात दिखाता है। प्यारी सी मीठी सी प्रभु ने रात दिखाई है, ठीक है? ये दिन जोड़ा है, रात जोड़ी, इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? मेरे प्रियजनों, जब दुख में है, तकलीफ में, समस्याओं में है, गरीबी में है, बीमारी में है, यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे प्रियजनों, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है, आपके आंसुओं को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, परेशानी को जड़ से खत्म करेगा परमेश्वर, आपकी बीमारियों को जीव का त्यों करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में मेरे प्रियजनों, सिर्फ यीशु मसीह को आदेश देना है और आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, हम सभी के मांगने से पहले जानता है। हमारे मन की बातें हमारा परमेश्वर जानता है, हमारे हृदय की बातें परमेश्वर जानता है। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के वचनों में बने रहना है, पिता में बने रहना है, तो हम जो कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वह हमें मिलेगा, वह हमारे लिए वैसा ही हो जाएगा 100%। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ मैंने बातें कही अपने वचन के माध्यम से, उसमें का हर एक बिंदु नहीं टलेगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी, मेरी बातों का कभी अंत नहीं होगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि कोई मर भी जाएगा तो भी वह जिएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह अपने वचनों के अनुसार हम सभी को जिलाएगा, ठीक है? अनंत काल का जीवन देगा, अजर मीरास का, जो कभी नाश नहीं होता है, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों को, खोजियों को दिया है। मेरे प्रियजनों, ठीक है? यीशु मसीह सभी को नाम लेके बुलाया है, इस संसार से चुना है, संसार से चुनकर नाम लेके बुलाया है परमेश्वर ने। इसके लिए मेरे प्रियजनों, हम सभी लोग यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही धन्यवाद के योग्य, वही तारीफ के योग्य, वही बड़ाई के योग्य है, वही महिमा करने के योग्य है, वही स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य है। मेरे प्रियजनों, ठीक है? तो चलिए प्राणों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आप महान है पिता, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु, मेरे स्वामी, जो आपने मेरे पिता हम सभी को प्रभु जीवतों के बीच में पिता
जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है मेरे पिता, अपने पंखों की जाल में छिपा के रखा है। शिवपापा इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से पिता भी बिछड़ गए होंगे पिता, वे बहुत दूर चले गए होंगे पिता, वे उस स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ पर धनवान अभी भी मौजूद है पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं मेरे स्वामी, जहाँ का धुआं युगान गुड़ता रहता है पिता, वे उस स्थान पे चले गए होंगे पिता, जो आपने मेरे समय सभी का पिता नाम लेके बुलाया है प्रभु, उद्धार किया, छुटकारा किया, इस संसार से चुना है पिता, इसके लिए पिता का धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपने कहा है मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है, तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है मेरे पिता। आपने कहा मेरे प्रभु, आपने कहा है जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसी मार्ग पर मैं तेरा हाथ पकड़ कर चलाऊंगा, उसी मार्ग पर मैं तेरी अगुवाई करूंगा मेरे पिता यीशु मसीह। आपने कहा मेरे पिता, मेरे प्रभु खास तौर से प्रार्थना करते हैं पिता उन मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जो मसीह बीमार है पिता, जो हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं पिता, जो अपनी खाट आंसू से भिगो नहीं पिता, जिन्हें कैंसर, गिल्टियां, रसोलियां, पथरियां, अन्य प्रकार की बीमारियों लिप्त हैं, यीशु मसीह आपसे बड़ी कुछ नहीं, यीशु मसीह पिता के जीवन में, यीशु मसीह हम आदेश देते हैं पिता वे बीमारियां जाएं पिता, हर कैंसर, बुखार, डेंगू, मलेरिया की बीमारियां जाएं यीशु मसीह के नाम से पिता, वे रिलीज होने पाए, आजाद होने पाए, चंगाई को रिलीज करने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो चंगाई रिलीज कर देते हैं 24 आवर्स, पवित्र आत्मा जी छू लीजिए पिता, हर एक जन आजाद होने पाए, ब्लेस होने पाए पिता, चंगाई सिफा रिलीज कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे पिता आपके नाम से मांगते हैं प्रभु, आपके नाम से पुकारती है मेरे पिता, इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, इनकी बीमारियों को दूर कर दे पिता, इनके जीवन में सुमसी चमत्कार करें, इनके जीवन में सुमसी वो बदलाव लाइए, वो चेंजिंग लाइए मेरे पिता। प्रार्थना करते हो जो मसीह बन गरीब हैं, जो लाचार पिता, जो कमाने वाले नहीं पिता, जो 100-200 रुपए पर पिता इधर उधर उधार ले रहे हैं, जाते उसे उधार ले रहे हैं मेरे पिता यीशु मसीह, मेरे पिता यीशु पापा, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे आए मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता, मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता यीशु पापा, आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी छू लीजिए यीशु पापा, इन्हें पवित्र आत्मा दीजिए पिता, इनके घरों के पिता आशीष से उंडेल दीजिए पिता, वो बंद आशीष से खुल जाएं, वो पेन दड़ोर हसुर के झरोके खुल जाएं, इनके घरों के ऊपर पिता ये मांगने लिए नहीं पिता, इनके हाथ देने लिए बनाइए पिता, ये बहुत सारी जातियों को उधार देने बन जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र 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 पवित्र, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु, मेरे पिता प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, हम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, जो हम सभी से पाप गलती गुना हुए हैं मेरे यीशु पापा, अब माफ करे, क्षमा करे पिता, जो हमने पाप किए हैं पिता, जब हम सभी से पाप गलती हो जाते हैं पिता, अनजान या जानबूझकर गुनाह हो जाते हैं यीशु पापा, अब माफ करे पिता, क्षमा करे, अपने लहू से शुद्ध करे पिता, अपने लहू से शुद्ध करे पिता, आपने अपना लहू बहाके यीशु राजा, आपने हम सभी को मोल खरीदा है, पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ पिता आपने अपने ऊपर लिया है पिता, इसके लिए पिता यीशु पापा आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है जो अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता पिता, आपने कहा है पिता अपने वचन के माध्यम से, अपने कलाम में कहा है जो अपने अपराधों को मान लेता है, उन्हें छोड़ देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी मेरे पिता। प्रभु हम सभी के पापों को, गुनाहों को, धर्मों को क्षमा कर दीजिए, ढाप दीजिए पिता, उन पापों को हटा दीजिए पिता, एक नया जीवन दीजिए पिता, जो आपको पसंद है वो जीवन पिता दीजिए हम सभी को, ताकि आपके लिए हम सभी लोग जिए पिता। पिता आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते, महिमा करते, जय जयकार करते पिता, प्रार्थना करते पिता उन बहनों के लिए पिता, जिन बहनों के बच्चे नहीं होते पिता, जिन्हें संतान नहीं होते पिता यीशु मसीह, क्या दिक्कतें, क्या समस्याएं यीशु मसीह हम नहीं जानते पिता, प्रभु जिस प्रकार से मेरे पिता आपने सारा को बच्चे दिए थे इतनी उम्र में मेरे यीशु पापा, उसी प्रकार से पिता इन बहनों को भी बच्चे दिए जी पिता, इनका विश्वास डगमगाने ना पाए पिता, इन्हें विश्वास से पिता कि आप इन्हें संतान देंगे पिता यीशु मसीह के नाम से, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम से, बच्चे की आशीष आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया,
धन्वादेशु 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 पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की योगा सृष्टिकर्ता मालिक है। सुपापा जो हम सभी को पिता अनंत काल का जीवन दिया, पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर उन घरों में जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा लिप्त है पिता, व्याप्त है पिता यीशु मसीह आपके नाम से, पिता आपके पवित्र लहू का पवित्र एंजलों का बड़ा बंधे थे यीशु मसीह के नाम से, जो इनके जीवन हर कराधर के बंधन, हर दुष्ट आत्माओं के गंदी आत्माओं के बंधन, बदरी चालों के बंधन है यीशु मसीह के नाम से, वे बंधन टूट जाए पिता, हर गंदी बदरी चाल इनके जीवन से भाग जाए पिता, वे जल जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो मसीह भर रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता है भय लगता है यीशु पापा, जब लेटे मेरे स्वामी तब इन्हें सुख की नींद दीजिए पिता, मुझे आशा विश्वास है पिता अपने प्रण को सुना है पिता, ये छोटी सी विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।